हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू एक्स्ट्रा क्लास विथ आर एन मंडल स्टूडेंट टुडे वी विल डिस्कस योर लेसन नंबर सिक्सटीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम योर बुक कॉलिंग सिग्न ग्रामर एंड कंपोजिशंस ऑफ क्लास सेवन एंड दिस इज़ द चैप्टर ऑफ क्लास सेवन ओके ऑलरेडी फिफ्टीन चैप्टर वॉज अपलोडेड यू कैन चेक इट फ्रॉम द प्ले ऑफ़ योर क्लास और लिंक इज गिवेन इन द डिस्क्रिप्सन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आप देख सकते हो और वहाँ पर जाके भी आप सर्च कर सकते हो वीडियो कैसे लग रही है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करता हूँ जब भी आपके कमेंट्स आती है राइट यू कमेंट्स आर वेरी वेरी प्रीसियस फॉर मी एंड डोंट फॉर टू शेयर सब्सक्राइब द चैनल लाइक द वीडियो ओके सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है ऑलरेडी वी कंप्लीटेड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ओके सो so, इसी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग इस नॉर्मली थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डायरेक्ट स्पीच क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है वी नो दैट सम वन इज़ स्पीकिंग समथिंग राइट इफ समन इज़ स्पीकिंग समथिंग द सेंटेंस द वर्ड्स दैट आर नॉन एज स्पीच कोई कुछ बोल रहा है उसको हम लोग स्पीच के तौर पर हम लोग बोल सकते हैं कोई डायरेक्टली कुछ बोलता सेम टू सेम द सेम सेंटेंस हैज़ स्पोकन बाय सम वन दैट एग्जैक्ट वर्ड दैट इज़ नॉन एज डायरेक्ट स्पीच When that words or sentence or his words are spoken by some other one, that is known as your indirect speech. Okay, so we will discuss direct and indirect speech. Basically, uh, we will solve all the exercises as well as the uh, ex uh, lesson. Okay, so some uh, Sumit made some mistakes while reporting his father words to his brother. Write Sumit's words correctly. सो इसको करेक्ट करना मिस्टर सेन सुमित आक्स योर ब्रदर टू फिनिश हिज मैथ्स होमवर्क इन एन आवर ही हैज अ मैथ टेस्ट टूमोरो ओके इज देयर एनी मिस्टेक एंड वर्ड्स सुमित आक्स योर ब्रदर टू फिनिश हिज मैथ होमवर्क सुमित आक्स योर ब्रदर टू फिनिश हिज मैथ होमवर्क इन एन आवर इन एन आवर ही हैज

दिस so, इज़ इस तरह से आपको इसको करना है रोहन जो सेंटेंस है वो सही है डायरेक्ट स्पीच के बारे में बात करते हैं डेफिनेशन इसका क्या हो सकता है डेफिनेशन जो इसमें दिया हुआ है वैन वी रेफर द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर इन अ सेंटेंस दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया आप देख सकते हो वीडियो ज़्यादा एक्सप्लेन करने से वीडियो बड़ी बन जाती है वैन वी रिपोर्ट दैट समबडी सैड और थाट इन आवर ओन वर्ड्स दिस इज़ नॉन एज इन डायरेक्ट स्पीच ओके एग्जाम्पल आप देख लेना उसके अकॉर्डिंग है जैसे फर्स्ट वन द टीचर सेट टू स्टूडेंट्स यू कैन लीव द एग्जाम हॉल इफ यू हैव फिनिश्ड वाइटिंग इसी तरह यहाँ पर जो एग्जाम्पल है सेकेंड में स्पीच की द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट लीव द एग्जाम हॉल इफ देड फिनिश्ड द रिंग ओके दोनों में आप कंपेयर कर सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है देख सकते हैं और इस कुछ रूल्स की हम लोग बात करेंगे हाउ टू चेंज दिस रूल्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू वाई यू आर गोइंग टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच प्लीज़ कीप इन माइंड राइट वन वी चेंज सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच वी चेंज द फ्लोइंग फर्स्ट वन द टेंस ऑफ द वर्ब ऑलवेज कीप इन माइंड इफ द वर्ब इज प्रेजेंट टेंस चेंज इन टू पास टेंस reporting verb always uh, change said will be told or asked or according to sentence personal pronoun possessive pronoun or possessive adjective should be changed punctuation marks and expression of time and place also will be changed how the tense will be changed tense kiss se change hogi if the tense uh, if the sentence is being reported in the present tense it is changed the past tense in indirect speech when the main verb is simple past tense it is change the past perfect tense

प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगी और अगर पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगी इस तरह से इसका जो रूल्स है आपको देख लेना है याद रखना है हमेशा और इसमें इस जो कुछ चेंजेस है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आप इसको देख लेना डू विल बी डीड डि विल बी हैड डन हैज़ अन हैव हो जाएगा और वाज और वेयर ऑलरेडी है तो हैड बीन आ जाएगा ठीक है If the द मैन in इन सेंटेंस इन द सिंपल फ्यूचर टेंस change it चेंज to would and verb in indirect speech simple future अगर है will विल will, will क्या हो जाएगा would हो जाएगा बाकी आपका जो भी है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी आप इसको देख लेना पर्सनल possessive पॉजिटिव प्रनाजिवस एडजेक्टिव किस तरह से चेंज होती है इसमें कुछ ग्रामर्स के कुछ रूल्स दिए गए हैं आप इसमें देख सकते हैं कैसे चेंज होगी आई ही सी और यू में चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस पर्सनल द परनाउन एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव इन इन स्पीच चेंज डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब लुक एट सेंटेंसेस यू सैड आई वॉन्ट टू चेंज द एड्रेस इन माई पासपोर्ट यू सैड दैट यू वॉन्टेड टू चेंज द एड्रेस इन योर पासपोर्ट माई और योर बिकॉज द सेंटेंस हैज़ बीन स्पोकन बाई अनदर वन इस तरह से आप इस सेंटेंस को देख के ऑब्जर्व कर लेना क्या है राइट पंचुअसन मार्क्स भी आपको उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है एग्जाम्पल ऑफ टाइम एंड प्लेस इस टेबल को आप याद कर लेना क्या है दिस विल बी दैट हेयर विल बी देयर नाउ विल बी देन इस तरह से टुडे दैट डे टोरो जो हमेशा यूज़ होती है स्टडी हमेशा यूज़ होती है उसको आपको देखना है ध्यान देना है एसरेटिव सेंटेंस डिकलेटिव सेंटेंस जो होती है सेंटेंस कैसे चेंज होता है ने, नेगेटिव सेंटेंस की बात नहीं कर रहे हैं एसरेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट प्रॉमिस या फिर एक्सप्लेन एसर इस तरह से चेंज होती है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम लोग स्टार्ट करेंगे ए पार्ट ए पार्ट में क्या है देखते हैं ओके सो रिराइट द रिलाइड सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच इसको हम लोग हमें किस में चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है सो स्टार्ट मोहित सैड आई हैव बीन इन्वाइटेड टू इनाग्रेशन सेरेमनी टू मोरो ओके सो मोहित ने बताया मुझे किस में जाना है इनाग्रेशन सेरेमनी में जाना है कल हैव बीन इन्वाइटेड हैव बीन इन्वाइटेड हुच टेंस प्रेजेंट परफेक्ट डेंस वी हैव टू चेंज इन टू पास्ट परफेक्ट डेंस इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे मोहित सैड दैट इस लिख लेना आप एम ओ एच आई टी मोहित Said that he had been invited, he had been invited, he had been invited to the inauguration ceremony, to the inauguration ceremony. इनाग्रेशन सैरमनी आगे क्या होगा द नेक्स्ट डे द नेक्स्ट टूमोरो हो गया नेक्स्ट डे ओके हैंड राइटिंग पर आप बिल्कुल मत जाना क्योंकि हैंड राइटिंग आई एम यूजिंग स्क्रीन रिकॉर्डर हेयर टू रिकॉर्ड द स्क्रीन और हैंड राइटिंग यहाँ पर बहुत ही गंदी आती है आई ऑल्सो फील वेरी बैड राइट बिकॉज माई हैंड राइटिंग ऑज नॉट लाइक दैट हेयर आई हैव टू राइट

लीना टोल्ड मी दैट सी उड मीट मी द फ्लोइंग डे और फ्लोइंग वीक ओके डे नहीं है यहाँ पर वीक है इसलिए हम लोग वीक लिखेंगे लीना टोल्ड मी दैट सी उड मीट मी द फ्लोइंग वीक नंबर थर्ड रोहित सेट टू हिज फादर आई एम वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट नाउ इसका जो डायरेक्ट स्पीच होगा रोहित टोल्ड हिज फादर दैट ही वॉज वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट दैन Rohit told his father that he was working on his project then. Number 4 Samriti said uh, said I always drink milk in the morning. Okay Samriti said that he, she always drink milk in the morning. Samriti said that she always drink milk in the morning. Number 5 Pariniti explained to me my cousins spend the weekend with me. Okay परिनीति एक्सप्लेन टू मी दैट हर कजिन्स स्पेंड द वीकेंड विथ हर स्पेंड द वीकेंड विथ हर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका नंबर सिक्स मिसेस पटील पाटिल सेड आई हैव विजिटेड सिक्स कंट्रीज इन द लास्ट मंथ आई हैव विजिटेड प्रेजेंट परफेक्टेंस चेंजिंग टू Past perfect tense. Mrs. Patil said that she had visited six, six countries in the previous month. Last month ho Previous month. One more time. Mrs. Patil said that she had visited six countries in the previous month. Okay, number seven. Linda complained I just cleaned the entire kitchen. Okay, so, is ka jo answer hai? जो इंडायरेक्ट स्पीच में है इसका जो आंसर होगा आई जेस जस्ट क्लीनड किस में है आपका डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट टेंस में है ओके okay. इसको हम लोग पास्ट टेंस में लेके जाएंगे लिंडा कंप्लेंट दैट सी हैड जस्ट कम क्लीन द एंटायर किचन लिंडा कंप्लेंट दैट सी हैड जस्ट क्लीन द एंटायर किचन ओके नंबर कविता सेट आई हैव बीन प्रैक्टिसाइजिंग विद द बैंड ऑफ बैंड फॉर ए वीक ओके सो आई हैव बिन प्रैक्टिसाइजिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है इसमें पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे कविता सेट दैट सी हैड बीन प्रैक्टिसाइजिंग विद द बैंड फॉर ए वीक

ओके चिल्ड्रन वन मोर टाइम सुनील सैड दैट सी ही वुड बी डन विथ हीज एग्जाम द फ्लोइंग मंडे नंबर टेन की बात करें दे टोल्ड मी वी आर स्टेइंग इन द होटल डाउन द स्ट्रीट सो वी आर स्टेइंग प्रेजेंट कंटीन्यूस टेंस है इसमें पास कंटीन्यूस टेंस में चेंज करेंगे दे टोल्ड मी दैट दे वेर आर स्टेइंग इन द होटल डाउन द स्ट्रीट दे टोल्ड मी दैट द दे वे स्टेइंग इन द होटल डाउन द स्ट्रीट नंबर की बात करते हैं देखते हैं इलेवन में क्या है सो uh, okay? so, इसका जो आंसर है इस तरह से होगा इन स्पीच uh, में सी सैड दैट सी वुड बी ट्यूटरिंग हर नेबर चिल्ड्रेन द सी वुड बी ट्यूटरिंग हर नेबर्स चिल्ड्रेन द फ्लोइंग वीक नंबर ट्वेल्थ विवेक सेट टू सूर्या आई हैव वॉच्ड द फिल्म ट्वाइस ऑलरेडी ओके सो इसका जो आंसर होगा विवेक टोल्ड सूर्या दैट ही वॉच्ड द फिल्म ट्वाइस ऑलरेडी विवेक टोल्ड सूर्या दैट ही हैड वॉचड द फिल्म ट्वाइस ऑलरेडी सो दिस इज कंप्लीट योर ए पार्ट हव यू अंडरस्टूड वेल the next exercises and next part uh, and, and the next uh, rest other lesson we will discuss in our upcoming video uh, the second part of the video and this is the first part of the video uh, till then be happy stay healthy see you again in next class part second video thank you